हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ। आज का टॉपिक है रेशे यानी फाइबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशे या तंतु लंबी पतली लोचशील और धागे नुमा संरचनाएं हैं। रेशों से कच्चे धागों की और इन धागों से कपड़ों की बुनाई की जाती है। उत्पादन और निर्माण के आधार पर रेशों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो रेशे को यानी फाइबर्स को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशे, संश्लिष्ट रेशे और अर्ध संश्लिष्ट रेशे। देखिए, प्राकृतिक रेशे इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जंतुओं से प्राप्त रेशे जैसे ऊन रेशम और पादपों से प्राप्त रेशे जैसे कपास जूट पटसन। संश्लिष्ट रेशे जो है कृत्रिम रूप से निर्मित होता है जैसे नायलॉन पॉलिएस्टर कार्बन फाइबर आर्लॉन आदि। और अर्ध संश्लिष्ट रेशे जो है यह प्राकृतिक रेशों में कृत्रिम रूप से कुछ परिवर्धन करके निर्मित होता है जैसे रेयॉन बंबू फाइबर डायसिटेड फाइबर ट्राइसिटेड फाइबर मोडाल लियोसेल। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक रेशों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राकृतिक रेशे जो है प्राकृतिक रेशे जंतुओं और पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के भेड़ों बकरियों खरगोश याक ऊंट आदि जंतुओं से ऊन और विशिष्ट कीटों से रेशम प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट कीटों से मलबरी एवं बॉम्बेक्स मोरी से क्या प्राप्त किया जाता है, सिल्क प्राप्त किया जाता है और ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं। पादपों से कपास सन पटसन जूट आदि सेल्यूलोज से बने रेशे प्राप्त होते हैं। संश्लिष्ट रेशे क्या है, तो देखिए संश्लिष्ट रेशों का निर्माण जो है संश्लिष्ट यानी सिंथेटिक फाइबर जो है संश्लिष्ट रेशों का निर्माण कृत्रिम रूप से रसायनों मुख्यतः पेट्रो रसायन के सहायता से प्रयोगशाला में किया जाता है। प्राकृतिक रेशों के तुलना में ये जो है अधिक शक्तिशाली सस्ते और टिकाऊ होते हैं। इन रेशों का रख रखाव धुलना और सुखाना अधिक सरल होता है। संश्लिष्ट रेशों का गलनांक निम्न होता है इसलिए उच्च ताप और अग्नि संभाव्य स्थानों पर इनका प्रयोग जोखिमपूर्ण होता है। रसायनों से निर्मित होने के कारण ये सामान्यतः त्वचा के अनुकूल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है अर्ध संश्लिष्ट रेशे। देखिए, प्राकृतिक रेशों को कुछ विशिष्ट रसायनों की सहायता से परिवर्धित एवं परिमार्जित करके अर्ध संश्लिष्ट रेशों का निर्माण किया जाता है। अधिकतर अर्ध संश्लिष्ट रेशे पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेशे होते हैं। और संश्लिष्ट रेशे कुछ गुणों में प्राकृतिक रेशों के तुलना में बेहतर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है प्रमुख संश्लिष्ट और अर्ध संश्लिष्ट रेशे, इनका उपयोग और इनके संगठक एकलक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है नायलॉन। नायलॉन देखिए हेक्सामेथिलीन डायमीन तथा एडिपिक अम्ल से जो इसका संगठक एकलक है कौन कौन से है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल। उपयोग क्या है, वस्त्र निर्माण टूथब्रश के सूक यानी रेशे के रूप में, मछली पकड़ने के जाल के रूप में, पैरासूट और रस्सियों आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पॉलिस्टर या टेरिलीन, इसके जो संगठक एकलक हैं एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफथेलिक अम्ल। उपयोग क्या है, वस्त्रों और गद्दों एवं सोफा के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कार्बन रेशे। कार्बन रेशे कार्बन परमाणुओं से निर्मित होते हैं। उपयोग है वायुवानों के उपकरण कार स्पोर्ट्स साइकिल अन्य हल्के उपकरण के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेयॉन पुनर्निर्मित सेल्यूलोज फाइबर बंबू विस्कोस, ये जो है संगठक एकलक है। उपयोग क्या है, गर्मी में पहने जाने वाले कपड़ों के निर्माण में इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं और गर्मी में पहने जाने वाले कपड़ों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टिक का आविष्कार 1846 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन सोनबेन ने किया था। कब और किसने किया था, तो 1846 ईस्वी में क्रिश्चियन सोनबेन ने किया था। प्लास्टिक शब्द ग्रीक भाषा के प्लास्टिक कोज शब्द से निर्मित है, किससे, प्लास्टिक कोज जिसका अर्थ होता है ढालना। प्लास्टिक लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक है। इनका निर्माण जीवाश्म ईंधन अर्थात
पेट्रो रसायनों के उपयोग से जो है किया जाता है, क्योंकि इनमें उपस्थित हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु लंबे बहुलक अणुओं के लिए निर्माण खंडों का कार्य करते हैं। प्लास्टिक निर्माण में पेट्रो रसायनों के अतिरिक्त योजकों, रंजकों, प्लास्टिसाइजर्स स्थिरता प्रदान करने के लिए, स्टेबिलाइजर्स तथा दृढ़ बनाने के लिए, रीइन्फोर्समेंट अभिकर्मक आदि का भी इसमें मिलाना होता है या मिलाया जाता है। तो प्लास्टिक का निर्माण है, इसमें पेट्रो रसायन के अतिरिक्त किन किन को किस किस के लिए मिलाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे प्लास्टिक निर्माण में पेट्रो रसायनों के अतिरिक्त योजकों, रंजकों, प्लास्टिसाइजर्स स्थिरता प्रदान करने के लिए, स्टेबिलाइजर्स और सुदृढ़ बनाने के लिए, रीइन्फोर्समेंट्स अभिकर्मक आदि को इसमें मिलाया जाता है। प्लास्टिक के प्रकार, भौतिक गुण के आधार पर प्लास्टिक को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करके विभिन्न आकृतियों और आकारों में ढाला जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, थर्मोप्लास्टिक श्रेणी के अंतर्गत रेखीय बहुलक तथा रेखीय एवं त्रियक संयोजित बहुलकों के संयोजन सम्मिलित किए जाते हैं, और इसके प्रमुख उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, ल्यूसाइट, टेफ्लॉन आदि, जिसका संगठन और उपयोग निम्नवत है। पॉलीथीन का उपयोग क्या है? देखिए, पॉलीथीन एथीन और एथीन या एथिलीन के बहुलकीकरण से यह निर्मित होता है। उपयोग है पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने के निर्माण में। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से यह निर्मित होता है। उपयोग है जलापूर्ति के लिए पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पॉलीस्टायरीन, स्टायरीन बहुलकीकरण से निर्मित होता है। उपयोग क्या है? खाना रखने वाले कंटेनरों, खाना की प्लेटों, सीडी केस, रेडियो, टीवी, कैबिनेट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेडियो और टीवी के कैबिनेट बनाए जाते हैं, ब्लैक रंग का जो होता है, उसका निर्माण में पॉलीस्टायरीन का उपयोग होता है। ल्यूसाइट या एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट, ये मेथिल मेथेकिलेट के बहुलीकरण से निर्मित होता है, और उपयोग है कांच के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, और कॉन्टैक्ट लेंस होता है जो आंखों में प्रयोग होता है, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से यह निर्मित होता है। नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में और गैस्केट के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के पश्चात गर्म करके पुनः किसी अन्य स्वरूप में ढाले नहीं जा सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत अत्यधिक तिर्यक संयोजित बहुलक सम्मिलित किए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो प्रमुख उदाहरण हैं जो निम्नवत है। पहला है बैकेलाइट। बैकेलाइट संश्लिष्ट संगठकों से निर्मित किया गया प्रथम प्लास्टिक होता है, जो 1907 में बेल्जियम अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड के द्वारा निर्मित किया गया था। लियो बैकलैंड के द्वारा इसका निर्माण फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल, याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल की संघनन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के हत्थे, विद्युत स्विच और अन्य विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें मेलामाइन। दूसरा है मेलामाइन। इसका निर्माण मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण के फलस्वरूप होता है, इसका निर्माण होता है, और यह एक कठोर थर्मोप्लास्टिक है जिसका उपयोग सजावटी टाइलों, खाने के बर्तनों, व्हाइट बोर्ड्स आदि के निर्माण में किया जाता है। इसे जो है अग्नि प्रतिरोधी योजकों के रूप में पेंट, प्लास्टिक, कागज में भी मिश्रित किया जाता है। इसके बाद है कांच। कांच एक कठोर, भंगुर और अनिश्चित आकार का अकार्बनिक पदार्थ है, जो सामान्यतः पारदर्शी अथवा अपारदर्शी होता है। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले कांच मुख्यतः सिलिकेट कांच होते हैं। इनका निर्माण सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के निश्चित अनुपात के मिश्रण को उच्च ताप पर पिघलाकर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कांच और इनके उपयोग, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है मृदु कांच, सोडा कांच या सोडा लाइम कांच।
संघटक क्या है, किन किन से ये मिलकर बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इनसे इसके निर्माण में जो संघटक हैं, याद रखिएगा, उपयोग क्या है, इनका उपयोग सामान्य बर्तन, दरवाजे और खिड़कियों के शीशे, ट्यूबलाइट्स के निर्माण में, प्रयोगशाला के उपकरण, जो प्रयोगशाला में उपकरण उपयोग होता है, इन्हीं के ये बने होते हैं। दूसरा है कठोर कांच, पोटास लाइम कांच या पोटास कांच। इनका जो संघटक है सिलिका है, पोटेशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इन तीनों से मिलकर ये बनता है। उपयोग प्रयोगशाला के, जो प्रयोगशाला है, इनके उपकरण जैसे बीकर, फ्लास्क, परख नली आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, और अन्य उच्च तापरोधी उपकरण के निर्माण में भी कठोर कांच या पोटास लाइम कांच या पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच, सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, पायरेक्स कांच या सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास। संगठक क्या है, तो सिलिका है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड है, सोडियम है और एल्यूमिनियम है, ये इसके निर्माण में ये सब भूमिका निभाते हैं। उपयोग क्या है, रासायनिक उपकरण, कार के हेडलैम्प्स आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है फ्लेट कांच या चमकीला कांच। संघटक क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, लेड सिलिकेट है, और उपयोग क्या है, विद्युत बल्ब, दूरदर्शी के लेंस, फ्रिज, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में। क्राउन कांच क्या है, क्राउन कांच सोडियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चश्मों के, इसका उपयोग चश्मों के लेंस, प्रकाशीय उपकरण के निर्माण में होता है। इसके बाद है क्वार्टर्ज कांच या सिलिका कांच। इसका जो संगठक है शुद्ध सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। उपयोग क्या है, तो पराबैंगनी लैंप्स के बल्ब, रासायनिक अभिकर्मकों के कंटेनर और अन्य प्रयोगशाला उपकरण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रूक्स कांच। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, क्रूक्स कांच। इसका जो संगठक है, याद रखिएगा, क्या है, तो सीरियम ऑक्साइड प्लस सिलिका, ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में सक्षम होते हैं। तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका, इनके मिलाने से जो है इसका निर्माण होता है क्रूक्स कांच का। और उपयोग क्या है, धूप के चश्मों के निर्माण में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच। संगठक है सिल्वर क्लोराइड या अन्य सिल्वर हैलाइड्स की उपस्थिति के कारण यह कांच धूप में काला पड़ जाता है, और उपयोग सामान्य चश्मों और धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जेना कांच। जेना कांच के संगठक हैं जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट, यह कांच का सर्वोत्तम प्रकार है, ठीक है, और उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में उच्च अभिक्रियाशील रसायनों को रखने के लिए बोतलों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सौंदर्य प्रसाधन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्राचीन काल से ही मनुष्यों में सौंदर्य बोध रहा है, इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं में भी सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण के स्तर और उनके संगठक पदार्थों में भी व्यापकता आई है, बहुत व्यापक तौर पे इनका जो है निर्माण किया गया है। पहले इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों से किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में इनके निर्माण में विभिन्न रसायनों के प्रयोग का प्रचलन है। प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन एवं उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो रसायन है वो निम्नवत है, ठीक है, तो क्या क्या है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन जो इत्र है, परफ्यूम, इसके संगठक रसायन जो है सुगंधित तेल होता है, इसमें सुगंधित यौगिक, अल्कोहल, जल का विलयन, बेंजीन एसिटेट, बेंजिल्डहाइड, एथेनॉल और कपूर का इसमें मिश्रण किया जाता है। और डिओड्रेंट्स या दुर्गंध निवारक, इसका संगठक रसायन जो है एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, एल्यूमिनियम जिरकोनियम, ट्राइक्लोरोहाइड्रेक्स ग्लिसरीन, ट्राइक्लोरोहाइड्रेक्स और ग्लिसरीन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये सभी जो है इसके संगठक हैं। शेविंग क्रीम में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, एस्टियरिक अम्ल होता है, मिरिस्टिक अम्ल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ग्लिसरीन होता है, एथेनॉल होता है, लिनालूल अथवा अन्य सुगंधित तेल यौगिक होते हैं। आफ्टर शेव लोशन, आफ्टर शेव लोशन जो है दाढ़ी बनाने के बाद जो आप लिक्विड यूज करते हैं, जो शेविंग लोशन जिसे बोलते हैं, इसके निर्माण में रोगाणु रोधी और संक्रामक रोधी द्रव को मिलाया जाता है। डीनेचर्ड एल्कोहल, एस्टीरेट, सिट्रेट, मैथोल, पॉस्चराइजर्स सुगंधित यौगिक को इसमें मिलाया जाता है। इसके बाद है मॉइस्चराइजर्स। मॉइस्चराइजर्स जो है
इसके जो संगठक होते हैं त्वचा को नमी प्रदान करने वाले क्रीम होते हैं, इसमें जो मिलाया जाता है पेट्रोलायटम, पैराफिन, लैनोलिन, खनिज तेल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल, प्रोटीन आदि। लिप बाम, लिप बाम में क्या होता है तो मधुमक्खी से प्राप्त मोम अथवा कर्नोबा मोम, कपूर, सेटिल एल्कोहल, लैनोलिन, पैराफिन और पेट्रोलियम। वैसलिन, वैसलिन में क्या होता है तो पेट्रोलियम जेली यह होता है, पेट्रोलियम जेली इसको इसमें मिलाया जाता है, पैराफिन मोम, खनिज तेल, मल्टी हाइड्रोकार्बन, 25 से अधिक कार्बन परमाणु युक्त होते हैं। शैंपू, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सिट्रिक एसिड, पैराबेन्स यानी मेथिल पैराबेन, एथिल पैराबेन, ब्यूटिल पैराबेन, एथेनॉल, सोडियम क्लोराइड आदि। नेल पॉलिश या नेल पेंट में क्या क्या होते हैं तो एथिल एसीटेट होता है, ब्यूटिल एसीटेट होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज और टाइल्यून होता है। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या क्या होते हैं, एसीटोन होता है, एथिल एसीटेट होता है, बेंजील एल्कोहल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सिंदूर, वर्मिलियम। देखिए वर्मिलियम जो है इसमें मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, रेड लेड होता है अथवा मिनियम होता है। लिपस्टिक में क्या क्या होता है तो मोम होता है, तेल होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं यानी, और इमोलियंट्स यानी नमी और चिकनाई वाले पदार्थ को जो है इसमें मिलाया जाता है। काजल या सुरमा में एस्टिबनाइट, ठीक है, एस्टिबनाइट का चूर्ण और चारकोल और गैलेना आदि को मिलाया जाता है। सनस्क्रीन जो लोशन होते हैं, अन्य नाम है सन ब्लॉक, सन क्रीम, सन टैन लोशन। सूर्य की प्रावैगनिक किरणों से त्वचा की सुरक्षा के लिए इनको जो है यूज किया जाता है, और इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। देखिए फसली पादप हैं, फसली पादपों के पर्याप्त विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से उपलब्ध करवाने वाले पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक का प्रयोग क्या होता है तो उर्वरक का जो प्रयोग होता है फसली पदार्थों को पर्याप्त रूप से विकास के लिए, उन्हें पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। पादपों की गुणवत्तापूर्ण और आबाद वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की पूर्ति होना आवश्यक है। ये 16 जो पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, बोरॉन है और मॉलिब्डेनम और क्लोरीन है। देखिए उपयुक्त पोषक तत्वों में से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन वातावरण और मृदा जल से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु शेष पोषक तत्वों की आपूर्ति जैविक या रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से की जाती है। तो जो पोषक तत्व हैं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका पूर्ति किससे होता है, वातावरण और मृदा जल से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो शेष पोषक तत्व हैं इनकी आपूर्ति जैविक या रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से की जाती है। जैविक उर्वरक क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। जैविक उर्वरकों का निर्माण पशुओं और मानवों के द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों जैसे गोबर और मल मूत्र अपघटित होकर जो है जैव पदार्थों जैसे सब्जी फसलों के अपशिष्ट आदि से किया जाता है। तो जो जैविक है या ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं पशुओं और मानवों के जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे गोबर मल मूत्र, इनको अपघटित करके या जो सब्जी है सब्जी या फसल है इनके जो अपशिष्ट होते हैं इनको अपघटित करके जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है। जैविक उर्वरकों में हानिकारक रसायनों की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए ये पर्यावरणीय सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के दृष्टि से उत्तम उर्वरक माने जाते हैं। अजैविक अथवा रासायनिक उर्वरक, अजैविक अथवा रासायनिक उर्वरक जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों, खनिजों आदि के प्रयोग से प्रयोगशाला में व्यावसायिक स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक जैविक उर्वरकों के अपेक्षा शीघ्रता से विघटित होकर पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। ये किसी एक या एक ठीक है किसी एक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, इसीलिए मृदा और फसल की आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए रासायनिक उर्वरकों के प्रमुख प्रकार और उनका उपयोग जो है निम्नवत है। पहला है नाइट्रोजनी उर्वरक,
नाइट्रोजनी उर्वरक, इन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व तो नाइट्रोजन है, जो इनमें नाइट्रेट, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में अमोनिया और इसके अनेक यौगिक का प्रयोग होता है, जैसे अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड, डाई अमोनिया फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम जो है नाइट्रेट आदि। इसके अतिरिक्त सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट आदि का भी प्रयोग किया जाता है। कितना परसेंट है प्रयोग किया जाता है ये याद नहीं रखना है, किन किन को प्रयोग किया जाता है ये याद रखना है। देखिए पादपों में इनका जो उपयोग है, नाइट्रोजन पादपों में जीव द्रव्य, अमीनो अम्ल और प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फास्फेटिक अम्ल, फास्फेटिक अम्ल, फास्फेटिक उर्वरक का मुख्य संगठक तत्व फास्फेट है। इन उर्वरकों के निर्माण जो है सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, क्षारीय धातु मल, लौह एवं इस्पात उद्योग का उत्पादन में जो है आदि रसायनों से किया जाता है। अधिकतर फास्फेटिक उर्वरक जल में उच्च विलेय होते हैं। पादपों में इनका जो उपयोग है, फास्फोरस पादपों की जड़, तने, बीज, फूलों के विकास और फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम उर्वरक। पोटास इन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व है, जो पोटेशियम खनिजों का मिश्रण होता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट प्रमुख पोटेशियम उर्वरक है। पादपों में उपयोग, पोटेशियम पत्तियों में होने वाली जल हानि को नियंत्रित करता है। इस प्रकार यह पादपों की सूखा सहन शक्ति में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त यह फलों के रंग और आकार के निर्धारण के लिए भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है एनपीके उर्वरक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके याद रखिएगा। एनपीके उर्वरकों में पादपों के समुचित विकास के लिए आवश्यक तीन सौर प्रमुख पोषक तत्व, तीन सौर प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से याद रखिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का उचित अनुपात में मिश्रण होता है, इसीलिए इन्हें यौगिक उर्वरक या पूर्ण उर्वरक भी, कंप्लीट फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिरिन ने की थी। किसने? जोसेफ एस्पिरिन ने। सीमेंट में जल मिलाकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो यह जमकर एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है, इसीलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कुछ मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। सीमेंट का औसत संगठन, कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60%, सिलिका का 20 से 25%। देखिए सीमेंट बनाने के लिए किन किन को उपयोग में लाया जाता है, कितना परसेंटेज दिलाया जाता है आपको ध्यान में रखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना 5 से 10%, जिप्सम को 2 से 5%, मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2 से 3% मिलाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड को 1 से 2%। सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद यह कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। सीमेंट के जमने से या जमने में निम्नलिखित दो अभिक्रियाएं होती है। जलयोजन, पहला अभिक्रिया है जलयोजन। डाई और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल योजन करके कोलाइडी जेल का निर्माण किया जाता है। यह कठोर और दृढ़ होता है, मजबूत होता है। दूसरा है जल अवघटन। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल अवघटन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सिलिकेट के कणों को परस्पर जोड़ने में सहायता करता है तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थानों में वे प्रवेश कर उन्हें अप्रवेश बना देता है। सीमेंट में जिप्सम का जो कार्य है याद रखिएगा, जिप्सम सीमेंट के जमने की गति को कम करता है ताकि सीमेंट अधिक कठोर और दृढ़ होकर निर्माण सामग्री, ईंट, पत्थर आदि को मजबूती प्रदान कर सके। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पहला जो प्रश्न है, साबुन के निर्माण के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। साबुन के निर्माण में जो असत्य कथन है वो क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है।
तो असत्य कथन जो है वो है डी, बाकी ए बी सी जो कथन है इसके संदर्भ में सही है। साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले जो वसीय अम्ल हैं, बताइए कौन कौन से हैं। सेकंड प्रश्न, साबुन के निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वसीय अम्ल हैं पामिटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल और ओलेइक अम्ल, यानी ये सभी। थर्ड नंबर है, साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उत्पादन के रूप में किस पदार्थ का निर्माण होता है? साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उप उत्पाद के रूप में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो ग्लिसरॉल का। चौथा है, वसीय अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? तो कठोर प्रकार की होती है। मृदु साबुन प्राप्त करने के लिए वसीय अम्लों के साथ किस शक्तिशाली क्षारकों की क्रिया कराई जाती है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। मृदु साबुन प्राप्त करने के लिए वसीय अम्लों के साथ किस शक्तिशाली क्षारकों की क्रिया कराई जाती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। सिक्स नंबर है, कठोर और मृदु साबुन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कठोर और मृदु साबुन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं जबकि मृदु साबुन जल में कम विलय होते हैं, और इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेवन नंबर है, सूची वन सूची टू के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो प्रसाधन साबुन, प्रसाधन जो साबुन है इसका संबंध किससे है बताइए? इसका जो संगठक पदार्थ है वो कौन सा है? तो प्रसाधन साबुन उच्च कोटि के लिए तेल और वसा। कपड़े धुलने के जो साबुन है इसका संबंध किससे है? तो सोडियम सिलिकेट एवं सोडियम कार्बोनेट। पारदर्शी साबुन एथिल एल्कोहल और दाढ़ी बनाने वाले साबुन रोजी नामक गोंद जो संगठक है याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, अपमार्जकों के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। अपमार्जकों के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो देखिए, पहला है, अपमार्जक हाइड्रोकार्बन्स के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके अविलय अवक्षेप का निर्माण नहीं करते हैं, यह भी सही है। और अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, इसलिए मृदु और कठोर जल में समान रूप से उपयोगी हैं। उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है। नाइन नंबर है, ऊंच वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊंच वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टरीकरण। 10 नंबर है, एस्टरीकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वसाओं के सामान्यतः जो एस्टरीकरण है, एस्टरीकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वसाओं को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। 11 नंबर है, संतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत क्या है? संतृप्त वसाओं का जो मुख्य स्रोत है क्या है? लाल मांस, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, नारियल एवं ताड़ का तेल, यानी ये सभी। 12 नंबर है, असंतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत हैं, असंतृप्त वसाओं के जो मुख्य स्रोत हैं क्या क्या है? वनस्पति तेल है, शुष्क मेवे हैं, तैलीय मछलियां, यानी ये सभी, डी ऑप्शन। 13 नंबर है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, बताइए, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण। किस विधि से, किस प्रक्रिया से वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया से। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से ट्रांस फैट के स्रोत की पहचान कीजिए। ट्रांस फैट के स्रोत की जो पहचान है वह पेस्ट्री एवं केक, फ्राइड एवं सेके हुए खाद्य पदार्थ, अधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थ, यानी ये सभी। ये सभी ट्रांस फैट के स्रोत हैं। 15 नंबर है, ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है? ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी करता है, यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करता है। ए और बी दोनों सही है। 16 नंबर, दिए गए विकल्पों में से मोम के प्रकारों की पहचान कीजिए। वैक्स के प्रकार जो है बताइए, तो अस्पर्मे, देखिए अस्पर्मेसेटी, पैराफिन और कार्नोबा।
स्पर्म, सेटी, पैराफिन, कार्नोबा, ये सभी मोम के प्रकार हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे पाम वैक्स या ब्राजील वैक्स भी कहा जाता है? पाम वैक्स या ब्राजील वैक्स किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो कार्नोबा वैक्स को। 18 नंबर है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल जो है किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिज्वरकारी और पीड़ाहारी के रूप में। 19 नंबर, प्रथम प्रतिजैविक औषधि जिसका आविष्कार 1928 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। प्रथम प्रतिजैविक औषधि जिसका आविष्कार 1928 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, नाम याद रखिएगा, पेनिसिलिन। 20 नंबर है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान कीजिए। निश्चेतकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान कीजिए, तो नाइट्रस ऑक्साइड और इथर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। 21 नंबर है, नील नामक रंजक किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? नील नामक रंजक किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया पादप से, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया पादप से। और नेक्स्ट है 22 नंबर, रंजकों के प्रयोग के समय इनमें रंग बधक क्यों मिलाया जाता है, मॉडरेंट क्यों मिलाया जाता है? तो रंग बधक रंजक को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र और अस्थायी रूप से जमने में सहायक होते हैं, इसलिए। 23 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। लाख, लाख का जो संबंध है बताइए किससे है? तो कोकस लैका से। टीरियन पर्पल का जो संबंध है किससे है? तो समुद्री घोघा से। किर्मिच का जो संबंध है कवच युक्त समुद्री जीव से है। और लाल रंजक बताइए, लाल रंजक लॉन्गवुड, इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 नंबर है, अनेक उप इकाइयों के पुनरावृत्त सह संयोजक से बृहद अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनेक उप इकाइयों के पुनरावृत्त सह संयोजक से बृहद अणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? बहुलकीकरण। 25 नंबर, सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, सही जो युग्म है, प्राकृतिक बहुलक का संबंध प्रोटीन, रबड़, सेल्यूलोज, स्टार्च से, बिल्कुल सही है। संश्लिष्ट बहुलक कौन कौन से? प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, नायलॉन है, और असंश्लिष्ट बहुलक जो है रेयॉन और वलनीकृत रबड़ आदि। तो देखिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर हैविया ब्राजिलियनसिस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का प्रमुख स्रोत है? हैविया ब्राजिलियनसिस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का प्रमुख स्रोत है? तो आपको मालूम है, रबर का। 27 नंबर है, निम्नलिखित बहुलकों को उनके संगठक एकलकों से जो है सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। निम्नलिखित बहुलकों को उनके संगठक एकलकों से सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा, इसको मिलान करते हैं, रबर। रबर का जो संबंध है किससे है? रबर का जो संबंध है आइसोप्रीन। रियान, रियान का जो संबंध है वो है कार्बन परमाणु से। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का जो संबंध है एथिलीन ग्लाइकोल से। और नायलॉन का हेक्सामेथिलीन डायमिन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर, प्लास्टिक के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। प्लास्टिक के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। प्लास्टिक का आविष्कार 1846 में क्रिश्चियन सोनबेन ने किया था। प्लास्टिक लंबी कार्बन श्रृंखलाओं के बहुलक हैं। प्लास्टिक का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर, वह प्लास्टिक जिसे एक से अधिक बार गर्म करके ऐच्छिक आकार में ढाला जा सकता है क्या कहलाता है? तो थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर, प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है बताइए। प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है, सही जवाब है ल्यूसाइट। 31 नंबर, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन। 32 नंबर है, दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में प्रयोग किए जाने वाली पॉलिथीन किस पदार्थ के बहुलकीकरण से निर्मित होता है? दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में प्रयोग किए जाने वाली पॉलिथीन किस पदार्थ के बहुलक
से निर्मित, बौलिकीकरण से निर्मित होती है तो एथिलीन अथवा एथीन। 33 नंबर है बैकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन है, कौन 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 से हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल। बैकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो रसायन है, नाम है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। 34 नंबर कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये सभी, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 35 नंबर। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए, पायरेक्स कांच, इसका जो संबंध है कार के हेड लैंप्स के निर्माण में, पायरेक्स कांच, 1A का 3। फ्लिट कांच जो है, इसका जो संबंध है विद्युत बल्ब और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में। क्राउन कांच बताइए, इसका जो संबंध है चश्मों के लेंस बनाने में। और क्रुक्स कांच, इसका उपयोग कहाँ होता है क्रुक्स कांच का? तो धूप के चश्मों के निर्माण में, ठीक है। और फोटोक्रोमिक कांच का जो संबंध है वह है उच्च अभिक्रियाशील रसायनों को रखने के लिए बोतलों के निर्माण में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 36 नंबर है वैसलिन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रसायन है, वैसलिन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले जो रसायन है वह है पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, मोम, खनिज तेल, यानी ये सभी, डी ऑप्शन। 37 नंबर है मर्क्यूरिक सल्फाइड और रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड और रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है? तो सिंदूर का। 38 नंबर काजल या सुरमा के निर्माण में, काजल या सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो काजल या सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित में से जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो है आपका एस्टिवनाइट, गैलेना, चारकोल, यानी ये सभी। 39 नंबर है कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है कितना होती है? तो 46%, याद रखिएगा। पोटेशियम उर्वरक का पादपों के लिए क्या महत्व है? पोटेशियम जो फर्टिलाइजर है, इसका पादपों के लिए जो महत्व है वह है ये पत्तियों से होने वाली जल हानि को नियंत्रित करता है, पादपों में सूखा सहने की शक्ति बढ़ाता है, फलों की उत्कृष्टता और आकार को यह सुनिश्चित करता है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में ईंधन यानी फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों को इसका PDF जरूरत है, जिन लोगों को चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। और किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।